बीमार पोसी के अदब का भी ध्यान रखें इसके अंदर। अदब क्या है उसके, ये उसके जाकर खैर खुआई की बात करें, उसके लिए दुआ करें, उससे दुआ भी लें, क्योंकि ये दुआएं भी है जो सिखाई गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सही तिर्मिजी की रिवायत हदीस नंबर 2087 के जब हजरत अली बीमार हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास में गए और उनसे जाकर ये कहा लाबासा तहरुन ईशा अल्लाह के ये बीमारी पाकीजगी का सबब बनेगी और इससे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को झाड़ देगा। तो यानी कि उसके लिए दुआ भी करें। वो मोमिन को बीमारी आती है तो उससे क्या होता है, उसके गुनाह झड़ते हैं। तो वैसे नहीं कि बीमारी को मुझ में ही क्यों बीमार होता हूँ, सबसे जैसी सर्दी आई तो मुझे सर्दी, जैसे ही कुछ हुआ तो मुझे, तो सबसे मैं इन्फेक्टेड होता हूँ, तो ये इसके गुनाह झड़ते हैं, इससे गुनाह झड़ते हैं। एहतियात अपनी जगह वो रखें, इसमें भी आदमी के बीमार होने लगे, चलो गुनाह झड़वाऊँ मेरे बीमार हूँ, वो मसला भी नहीं है, एहतियात तो रखना है, लेकिन ये है कि अगर हो जाता है तो उसके गुनाह उससे डरते हैं और उसके अंदर से जो है वो दूसरे उससे पूछने आता था उसको सवाब उसका मिलता है। तो अदब का लिहाज भी रखें, वहाँ पर जाएँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं तो उसका भी अदब रखें कि मुख्तसर रुके वहाँ पर, उसको दुआ दें और खैर ख्वाही तलब करें, कुछ तोहफे हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ खाने का आइटम ऐसा तो उसके साथ में ले जाए और उसके और उससे भी दुआ भी करवाएं, क्योंकि अल्लाह मुसीबत जदा की दुआ को सुनता है। तो उससे भी भाई आप बीमार हैं और ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि आप मुसीबत दजा की दुआ को अल्लाह सुनता है, तो हमारे लिए भी दुआ करो, आप दुआ करें तो उनसे दुआ भी करवाएं और फिर जल्दी से वापस आ जाएं। ये नहीं कि वहाँ गए तो अरे इनके घर पे गए चाय तक नहीं पूछी इन्होंने, अस्पताल में गए पूछ ही लेते, पिलाते मत, पानी नहीं पूछा इन्होंने, ये नहीं किया। तो ये आप क्या इसलिए गए थे कि आपके खातिरदारी करवाने गए थे, मेहमान बन के गए थे, मैं जा उसके जो बीमार पोसी करने गए, तो ये मसला नहीं है। आप गए वो पहले ही परेशान, कौन उनके वहाँ उनके पता ही नहीं चल रहा, अस्पताल के अंदर है तो घर पूरा उनका बिखरा हुआ है, काम को चाय पिलाएंगे, पैसे का मसला है, क्या मसला, कुछ भी हो सकता है, उनको ध्यान ही नहीं रहा होगा कि इतनी टेंशन के अंदर आपके लगा रहे कि हम गए तो हमारी इज्जत नहीं की गई, ये नहीं किया गया, तो ये सीधी फॉर्मेलिटी उसमें नहीं है। तो ज़्यादातर का मामला अब या फिर उसे खैर ख्वाही नहीं करते लोग, जाते हैं तो लोग ऐसे भी जाते हैं मस्करी पर नहीं करते मस्करे, या फिर जो है लोग बोलने में ध्यान नहीं रखते, अब वो पहले से बीमार पड़ा, वो बीमार की जो तकलीफ होती है ना वो खुद समझ सकता है, दूसरा थोड़ी उसके अगर पेट में दर्द है तो दूसरा थोड़ी उसको मालूम पड़ेगा कि यार इसको क्या है। तो बीमार जो होता है ना उसकी तकलीफ उसको ही होती है, दूसरा सिर्फ हम उसको उसकी तकलीफ को देख सकते कह सकते हैं कि अरे बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ तो महसूस नहीं कर सकते उस। तो अब उसके अंदर भी लोग जाकर जो है उसको फिर सुनाते हैं क्या हुआ, अरे अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हुआ, हमारे भी एक पड़ोसी थे उनकी उम्र भी तुम्हारे लगभग ही रहेगी 30-35 साल, ये बीमारी हुई अस्पताल एडमिट कराया, डॉक्टर ने मना कर दिया, बाहर ले गए, फिर वहाँ 2 दिन भर्ती रहे और डॉक्टर ने कि जवाब दे दिया घर ले जाओ और फिर वो निपट गए। अब बताइए अब उसको ये करते हैं लोग जाकर उसको सुनाते ही है, अब वो सुनाए तो अब ये बताए कैसी खैर पाई, अब वो बेचारा पहले ही उसमें था और उसके ऊपर और शौक लग जाता है, नहीं बढ़ता था आप मार देंगे उसको या फिर उसको बीमार ठीक नहीं मिले। तो इसका भी ध्यान रखें कि बोल पे ध्यान रखें, अच्छी बात उससे करें और उसको जो दुआएं दें उससे दुआएं लें और खैर ख्वाही की अच्छी बात करें, मुख्तसर रुके तसल्ली दें, दुआ करें वापस आ जाएं। ये नहीं कि लोग बाग नहीं, तो इसे भी करते कई लोग, अब वो एक पेशेंट भर्ती है उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब उस पर पट्टा चढ़ गया या सूजन आ गई, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग अब ये खुद डॉक्टर बनते जाने वाले लोग, डॉक्टर अस्पताल में एडमिट है फिर वो जाकर कहाँ पर हुआ, बोले कहाँ हुआ, यहाँ पर दिखाओ दिखाओ दवा, अरे दुख रहा है, अरे भाई ऐसा तो होता रहता, अरे भाई फलां उसके पास ले, अरे जरा सा खींच देंगे अभी सही हो जाएगा, कहाँ तुम अस्पताल में एडमिट होगे, बेचारा उसको मालूम है आपका काम से पूछना है, उसकी मर्जी से आया वहाँ पर। तो लोग इसके अंदर ये भी करते, या फिर लोग वो फिर उसके यानी खाने के लिए ले भी जाते हैं, तब अपनी मर्जी से ले गया वो फ्रूट ले गया या कोई ऐसी चीज़ ले गया, लेकिन अब डॉक्टर से पूछ के दें आप उसको तो बीमार है तो उसके लिए वो है कि हो सकता है फूड, कभी कभी ऐसी बीमारियां भी आजकल होने लगी जिसमें फ्रूट भी नुकसान करता है कि उसके अंदर विटामिन बढ़ गया, उसको डॉक्टर मना कर देता है कि तुमको ये नहीं खाना, दाल नहीं खाना, तुमको ये फ्रूट नहीं खाना, तो ऐसी बीमारियां भी होती है। तो आप बोला कि अरे ये तो क्या है सिंपल है इससे, तो ये तो कहावत है कि एक सिंपल रोज खाओ डॉक्टर से बच जाओ, तो खाओ सिंपल, अरे उसको मना किया डायबिटीज से क्या मामला उसकी बढ़ी हुई है, तो पहले पूछ कर दे, ये नहीं कि अरे ये डॉक्टर तो बोलते रहते खाओ तुम तो कचौरी खा लो उसके पेट में छाले और आपने खिला दिए मारे। तो ये है कि हम जबरदस्ती किसी से ना करें, इसको अदब और अखलाक का उसका ख्याल रखें, डॉक्टर से पूछ कर भी उसको खिलाना चाहिए। इसी तरह जो है ये जो लोग प्लास्टर चला रहे थे, लोग आजकल उस पर भी नई नई कारनामे करते हैं, पेंटिंग प्लास्टर के ऊपर,
प्लास्टर ज़्यादा, तो कोई इसने स्टिकर चिपका दिया, कोई जाकर उस पर कुछ बांध देता है, इस पर बांध दो सही हो जाए, या फिर कोई इस पर लिख रहा है, कोई कलमा लिख देता है उसके ऊपर कि कलमा लिख दो, इस पर कुरान की आयत लिख दो सही हो जाता है, प्लास्टर पे वो पेंटिंग चालू उस पर रखे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें, और बल्कि गुनाहगार भी हो सकता है कि उसने लिख के चला गया, वो बेचारा बाथरूम जा रहा है कुरान की आयत के साथ, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये है कि मुख्तसर रुके और आ जाए, और इसका बड़ा अजर सवाब है, तो ये मुसलमान का हक में से जो उसको अदा करना चाहिए।